रामनगर के मालदन क्षेत्र में दो तीन दिन में बड़ी संख्या में प्रवासियों का आगमन हो रहा है, जिसको मालदन पुलिस प्रशासन द्वारा चिन्हित कर रामनगर संयुक्त चिकित्सालय थर्मल स्कैनिंग के लिए भेजा जा रहा है। नॉर्मल चेकअप आने के बाद जिन लोगों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम क्वारंटाइन के आदेश दिए गए उनके नाम पता और मोबाइल नंबर मालदन पुलिस रजिस्टर में दर्ज कर रही है, ताकि भविष्य में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मालदन में पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए व्यक्तियों को आसानी से चिन्हित किया जा सके। लेकिन कुछ बस चालक होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासियों को मालदन छोड़ने आ रहे हैं, वह इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी को नहीं दे रहे। प्रवासियों को रामनगर से मालदन में लाकर जगह जगह छोड़कर वापिस चले जाते हैं, जिससे भविष्य में मालदन पर कोरोना के रूप में बड़ा संकट आने की संभावना नजर आ रही है। अगर कोई व्यक्ति मालदन में पॉजिटिव पाया जाता है जिसका डाटा पुलिस प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं होता तो मालदन में महामारी फैलने के पूरे आसार बने हुए हैं। बस चालक जाने अनजाने या जानबूझकर ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं जिसका खामियाजा मालदन की जनता को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रविंद्र कुमार और मालदन नंबर 1 का रहने वाला। अच्छा, आप कहाँ बाहर से कहाँ से आए, आप कहाँ पे काम कर रहे थे और यहाँ मालदन कब पहुँचे आप? मैं बठिंडा काम करता था, मैं हल्द्वानी कल पहुँच गया था और यहाँ मैं कल रात 10 बजे पहुँच गया था। तो आपको होम क्वारंटीन के आदेश किए गए हैं, तो उसमें क्या गाइडलाइन दी गई है प्रशासन की तरफ से? हमें ये बोला गया है कि घर पर रहना और कहीं बाहर नहीं निकलना और थोड़ा हाथ धो के किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करना, कुछ नहीं करा सकते। तो आपको जब वहाँ से रामनगर से लेकर गए तो क्या आपको मालदन चौकी में लेके गए हैं कि ये बताने के लिए कि हम इनको छोड़ने के लिए आए हैं होम क्वारंटाइन में मालदन में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं, कुछ सरकार की मदद से बसें छोड़ रही हैं और कुछ लोग व्यक्ति अपनी पैदल यात्रा करके भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइम पर इनको यहाँ जब यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो हम इन लोगों को अपने स्तर से जो यहाँ आ रहे हैं पैदल चल के, तो इनको हम लोग यहाँ पर इनकी एंट्री करते हैं और इनको रामनगर के जो सरकारी हमारे अस्पताल में वहाँ पर मेडिकल कराने के लिए भेजते हैं और अपनी व्यवस्था करके, और फिर इनका जब वहाँ पर मेडिकल हो जाता है और डॉक्टर साहब द्वारा इसको होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन वहीं किया जाता है तो फिर पुनः ये वापस रामनगर हमारे चौकी में आते हैं। तो हम अपने रजिस्टर में इसका मेंटेनेंस कर देते हैं कि हाँ इनको होम क्वारंटाइन किया गया है, और उसके बाद हम लोग इनको घर घर जा कर के चेक भी करते हैं क्या ये व्यक्ति घर पर ही है या आवारा घूम रहा है। विगत दिनों में हमें 3 व्यक्ति ऐसे ही मिले जो होम क्वारंटाइन में थे, उनको जो है हम लोग होम क्वारंटाइन से उठा करके अस्पताल में भर्ती कराया और उनको परमानेंट क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। और जो भेज और हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं, डे टू डे चेक कर रहे हैं कि क्वारंटाइन व्यक्ति घूम रहा है, और अगर ये घूमता हुआ लापरवाही पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो बिना मास्क लगा के जो घूम रहे हैं उन व्यक्तियों में से हमने अभी 36 व्यक्तियों के हमने चालान किए हैं पुलिस एक्ट में, जो बिना मास्क लगा के घूम रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। सर, ये जो बसें रामनगर से होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को मालदन छोड़ने के लिए आ रही, क्या सर बस चालकों द्वारा मालदन चौकी को सूचित किया जा रहा है, सूचित दी जा रही कि इतने लोग होम क्वारंटाइन के लिए मालदन छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कुछ बसें ऐसी हैं कि जो रामनगर से मालदन चौड़ छोड़ने आ रही हैं और वो बस चालक हमें यहाँ सूचना नहीं दे रहे हैं कि मैं 4 सवारी 5 सवारी को छोड़ के आया। यदि वो अपनी बस में जो सवारी लेके आए हैं हमें सूचित करते तो हमारा हम उनको अपनी रजिस्टर में एंट्री करते कि हाँ ये व्यक्ति होम क्वारंटाइन है। तो इसलिए इनके द्वारा सूचित नहीं किए जाने पर ये व्यक्ति हमारे रजिस्टर में एंट्री नहीं हो पा रहे हैं और ये इनको इनका पता नहीं चल पा रहा है कि ये होम क्वारंटाइन है या नहीं है, कब आए क्या नहीं आए। इसमें सबसे बड़ी बस चालक को हम कहेंगे, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसे यहाँ पे आके बताना चाहिए था। तो सर, जो बस चालक इस तरीके के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं सर के बिना सूचना दिए होम क्वारंटाइन के व्यक्ति को छोड़कर जा रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी सर? नहीं, इसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारी को बता दिया है कि जब भी सर ये यहाँ पे कोई होम क्वारंटाइन को छोड़ने के लिए आता है तो ये उस समय तत्काल ये पुलिस को चौकी में आकर के जहाँ भी जाते हैं जिस भी चौकी में जाते हैं वो इतला करें कि आपके यहाँ पर होम क्वारंटाइन के लिए इतने पेशेंट को मैं छोड़ के आया हूँ।